1 लाख में क्या आएगा, 500 रुपये में जो आता है, तो 1 लाख देने पड़ते हैं यहाँ पर, 10,000 मतलब 50 रुपये, तो यहाँ ऐसे लेके चलने पड़ते हैं 45 लाख, 90 लाख ऐसे रुपए लेके चलने पड़ते हैं यहाँ पर। वो हमारा बड़ी एमएमए में लाइक मैं काफ़ी लकी हूँ स्पारिंग में, मतलब आज जैसे यहाँ पर लगी है ठीक है, तो हमेशा मेरी नाक बच जाती है हमेशा, जैसे एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो मतलब इंचेस इंचेस का फर्क आता है हमेशा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे यहाँ पर यहाँ वहाँ का 1 रुपये यहाँ 186 रुपया हो जाता है। Hey guys, what's up? Good morning. एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया मुझे कोई ब्लॉग डाले हुए, सो अभी मैं हूँ बाली इंडोनेशिया में और ये ब्लॉग होने वाला है रूम टूर का और जो जो चीज़ें हो रही है आजकल। सो पिछले 2-3 हफ्तों में काफ़ी बिजी था, इंडिया से यहाँ आना, यहाँ के माहौल में ढलना और ट्रेनिंग हो गया, काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल था अभी, काफ़ी बुरे हाल हुए हैं अभी पिछले 2-3 हफ्तों में। वही होता है ना, किसी आप नए जगह जा रहे हो तो टाइम लगता है ढलने में, सो अब जाके मुझे टाइम मिला है। और ये पूरी ट्रिप जो है हमारी स्पॉन्सर्ड है बैटल ऑफ फाइट नाइट के जरिए, सो मतलब पूरा ट्रिप आने जाने का हो गया, पूरा खाना हो गया, रहना हो गया, एवरीथिंग इज़ स्पॉन्सर्ड बाई बैटल ऑफ फाइट नाइट, सो इट्स अमेजिंग। हर एक फाइटर्स को फाइनेंशियली थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, हमारा पूरा फोकस ट्रेनिंग पे है, फाइनेंशियली MFN वाले कर रहे हैं इस बार। सो आपको मैं एक छोटा सा रूम टूर कराता हूँ और फाइट्स के बारे में देखो मैं आपको नहीं बता सकता अभी, वो आपको मैट्रिक्स फाइट नाइट की पेज पे आप एक्टिव रहो, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे कि किसकी फ़ाइट क्या हो रही है। फिलहाल आप जस्ट सब गेस कर सकते हो कि एक्चुअली हो, पर जो भी होने वाला है धमाका होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा धमाका होना है, इट्स लाइक अ माइलस्टोन होगा पूरे हिस्ट्री में, इंडियन MMA हिस्ट्री में। जो अगला इवेंट होने वाला है MFN 10 इज़ गोना बी ह्यूज, ह्यूज बहुत बड़ा होने वाला है। ओके सो हम करते हैं एक रूम टूर जहाँ हमारे हैं, जो हमारा विला है, और मेरे साथ ध्रुव चौधरी है, पूजा तोमर, जतिन, दिगंबर, करण राइट, और हिमांशु कौशिक और संजीत भाई दे, लेकिन उनको घर जाना पड़ा कुछ रीज़न से, सो लेट्स गो। वैसे बॉडी शॉडी बन रही है अब धीरे धीरे करके दोबारा, फाइटिंग का ये मुझे अच्छा लगता है कि जब फाइट ख़त्म होती है तब हम कुछ भी खा लेते हैं दबा के, अब जब फाइट कैंप स्टार्ट होता है इट्स लाइक फाइट कैंप, ज़्यादा कुछ खा नहीं सकते, उठ पड़ांग चीज़ें, और आपको अपना एक फ़ाइट कैंप का मुझे अच्छा लगता है कि आप एक सॉलिट्यूड में हो, अकेले हो, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं है आपके पास, आप जस्ट फोकस हो अपने गोल पे, और ये एक मेडिटेशन वाला टाइम होता है, तो ये एक अच्छा टाइम है। मुझे कैंप बहुत अच्छा लगता है, इट्स लाइक फोकस्ड, फालतू की डिस्ट्रैक्शन नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें। सो करते हैं एक रूम टूर। सो इंडिया के टाइम में और यहाँ के टाइम में थोड़ा फ़र्क है, इस 2.5 घंटे का फ़र्क होगा, अगर वहाँ 11 बज रहे होंगे तो यहाँ 1:30 बज रहे होंगे, तो 2.5 घंटे का फ़र्क है हमारा उनका। ये हमारा स्विमिंग पूल, वॉशिंग मशीन, ये हमारा विला। मौसम बहुत अच्छा रहता है बाली का हमेशा, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। सर दिगंबर है, दिगंबर, जतिन और दिगंबर कुछ बोलोगे? बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, हैं क्या कुछ बोलो यार, तुम्हारे फैन है यार। ट्रेनिंग का ही बोल दो और कुछ ना सही। स्पारिंग के बाद अगर मैं ठीक ठाक आ गया बच जाओगे यार तुम, स्पारिंग में ऐसा नहीं है, सिर्फ 5 राउंड झेलने हैं तुम्हें बस। आज 12:30 है, 5 राउंड हो जाएंगे।
कंचे से मार रहे हैं एमएमए, कंचे से मार रहे क्या? एक बार खा लोगे बॉडी शॉट? दर्द हो रहा है इस तरह का, दर्द हो रहा है मेरा तो कंधा दर्द कर रहा है, कंधा दर्द कर रहा है मेरा पीछे। कैसा लगा तुम्हें इंडोनेशिया बाली? ठीक क्यों? इंडोनेशिया के बारे में हम तुमको आज बताएंगे, आज है सैटरडे तो असली इंडोनेशिया आज दिखाएंगे, बाकी इंडोनेशिया तो बढ़िया है ही। मौसम सही है क्या ना? मौसम सही है, माहौल सही है, मौसम तो सही है। माहौल से क्या मतलब है तुम्हारा? माहौल अपना आज रात को दिखाएंगे, आज रात के व्लॉग देखिए उधर अपडेट हो जाएगा आपको, वीडियो भी डालेंगे हम इसके बाद। इसको बैक किक पढ़ना जरूरी था, परसों उसके बैक किक पड़ी थी तो उसका यू नो बैठ गया था ये बंदा, क्योंकि अभी हमारी एकेडमी में क्या होता है उसको छोटे छोटे मिलता है तो वहाँ इनको मारता रहता है जैसे वहाँ दिखाता है अपना यू नो अल्फा वाला सीन क्या। तो जैसे परसों क्या हुआ था कि यहाँ मतलब इसके बैक किक पड़ी तब बैठ गया था ये, तो जरूरी है मतलब क्योंकि एज अ फाइटर को हम्बल होना जरूरी है, क्योंकि मतलब कंपटीशन मिलना जरूरी है। कई बार लोगों को लगता है कि हाँ यू नो हम बेस्ट हैं, हो गया बस, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं हमेशा, तो यू नो इसलिए बाहर जाना जरूरी है, बाहर के फाइटर्स के साथ ट्रेनिंग करना जरूरी है ताकि एक लेवल का पता चले कि हाँ कि मुझे यहाँ तक जाना है और मैं अभी कहाँ स्टैंड करता हूँ। सो ट्रेनिंग रूटीन काफ़ी अच्छा है। लाइक बहुत टाइम क्या होता है कि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि हम मैंने बोला था कि टाइगर मुआई थाई हम गए थे, लेकिन बहुत से लोग वहाँ गए, लेकिन एक्चुअली देखो टाइगर मुआई थाई जाने का फ़ायदा तब है जब आपके बेसिक पूरे क्लियर है ना दिगंबर? टाइगर मुआई थाई जाने का फ़ायदा तब है जब आपके बेसिक क्लियर है। लाइक अगर तुम्हें डबल लेग टेक डाउन नहीं आता है और तुम सोच रहे हो कि वहाँ जाके कोई तुम्हें डबल लेग बताएगा तो वो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियस है वो एडवांस बैचेस चलते रहते हैं, वो फाइट्स के लिए वहाँ जाते हैं, वो इस सब फाइट कैंप हो गया तुम्हारा, मतलब वो इतने वहाँ टेक्निक नहीं बताएगा, इस लाइक टेक्निक पे कम काम होता है, स्पारिंग हो गया और जो कंडीशनिंग हो गया इस पे ज़्यादा काम होता है। सो एक करण है, करण अभी एमेचर फाइटर है गुजरात से। सो एक्चुअली मतलब एज ए एमेचर अगर आपको ये एक्सपीरियंस मिल रहा है कि आपको कहाँ तक जाना है तो उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है बाद में। लाइक देखो हमारा लेवल तो है ही ऊपर, जब मैं इसके स्पारिंग करता हूँ तो ऑब्वियस है, पर ये है कि यू नो जब आप बाहर जाके दुनिया देखते हो आप लाइक एक आपका यू नो एक इमेजिनेशन बढ़ जाती है कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। लाइक मेरा काम ये होता है कि जब मैं कैंप से जाता हूँ वहाँ तो मैं जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी है मैं उनको बताता हूँ कि उनको यहाँ आने की ज़रूरत ना पड़े। एक और जिम है यहाँ पर सोमा फाइट क्लब नाम से, तो वो भी काफ़ी अलग लेवल का है यू नो स्ट्राइकिंग में मामले में। वहाँ के कोचेज जो हैं न्यूजीलैंड के, न्यूजीलैंड के पता है आपको जितने भी स्ट्राइकर्स होते हैं कितने अच्छे अच्छे स्ट्राइकर्स होते हैं वहाँ। एलेक्जेंड्रा हो गया आपका, और आपका हो गया इसराइल आर्डनसानिया हो गया, तो काफ़ी UFC फाइटर्स हैं जो न्यूजीलैंड से हैं जो काफ़ी अच्छे स्ट्राइकर है। डैन होगर हो गया, राइट। ये बन गई हमारी कॉफ़ी, थैंक यू। फ्रिज हम नहाए, कपड़े कपड़े धोए, थोड़ा खाना वाना पकाया, खाया पिया, तब आप लोग आ गए। ये जितनी भी बातें अभी आपको कैमरे में सुनाई दी हैं वीडियो में एक एक झूठ है, एक भी सच नहीं है। यहाँ आके सिर्फ सो जाते हैं या इस बार अच्छी जगह जाएंगे हम, इस बार वैसी जगह नहीं है। वहाँ ऐसा है आए तो थे लास्ट टाइम, आए तो थे अब ये है यहाँ की करेंसी 50,000 1,00,000। तो यहाँ कुछ ऐसा होता है कि 1,00,000 में कितने रुपए हो गए आपके? हाँ 500 रुपये, और 1,000 में हो गए आपके 50 रुपये। सो ऐसा होता है कि 1,00,000 के
मतलब 1 लाख में क्या आएगा, 500 रुपये में जो आता है तो 1 लाख देने पड़ते हैं यहाँ पर, 10,000 मतलब 50 रुपये, तो यहाँ ऐसे लेके चलने पड़ते हैं 45 लाख, 90 लाख ऐसे रुपये लेके चलने पड़ते हैं यहाँ पर। इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि जैसे यहाँ पर यहाँ वहाँ का 1 रुपये यहाँ 186 रुपया हो जाता है। सो जैसे वहाँ के 10,000 रुपये यहाँ, सॉरी आई मीन वहाँ के 50 रुपये यहाँ 10,000 रुपये हो जाते हैं। लेकिन चीज़ें लगभग उतने की आती है, जैसे जो 50 रुपये की होगी अपने इंडिया में तो वो उतना ही मिलता है यहाँ पर भी। जैसे मतलब जैसे ग्लव्स ले लो, जैसे जो बॉक्सिंग ग्लव्स है तो वो यहाँ पर लाइक लगभग 3 लाख रुपए के होंगे, तो 1 लाख में 500, तो 1500 रुपए के बॉक्सिंग ग्लव्स इस तरीके से। तो जैसे ये स्कूटी हमने जैसे इंडियन रुपीस 5000 में ली है पर मंथ के लिए, और यहाँ से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर होगी हमारी अकेडमी यहाँ से। और जो बाली है, जो बीचेस हो गया, सर्फिंग हो गया, इसके लिए ज़्यादा फेमस है, और प्लस द कल्चर हो गया यहाँ पर। जैसे मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पर आर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, जो वास्तुकला कहते हैं शायद जिसे हिंदी में। पर यहाँ पर ट्रैफिक कभी वैसा नहीं रहा है लाइक छोटी गाड़ियों के लिए, जैसे होता ना हमारे यहाँ, जैसे लाइक मतलब 1-1, 2-2 घंटे तक ऐसा नहीं होता है। पर छोटी रोड है, लेकिन वही है कि बस कोई ओवरटेक नहीं करता है तो ट्रैफिक नहीं लगता है, ऐसा सिंपल कॉन्सेप्ट है बस। मतलब जितना इंडिया में खर्चा है ना उतना ही यहाँ है, लगभग बराबर ही है सब। जैसे क्या कहते हैं, मतलब थाईलैंड में थोड़ा महंगा था, ज़्यादा महंगा डबल या 1.5 गुना इतना महंगा था इंडिया के मुताबिक, लेकिन इंडिया के मुताबिक यहाँ बराबर चीज़ें हैं सारी। तो जैसे आज स्पारिंग है और उसके बाद हम सर्फिंग के लिए जाएंगे प्रॉबेबली, क्योंकि एक सर्फिंग तो सीखनी है मुझे, क्योंकि लाइक मैं टाइम वेस्ट करना मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है, लाइक कुछ ना कुछ सीखना, सीखते रहना चाहिए इंसान को, मैं ये मानता हूँ लाइक कुछ भी। और यहाँ पर जो मैं एक और जिम की बात कर रहा था, सोमा फाइट क्लब, वो यहाँ पर है। सोमा फाइट क्लब जहाँ न्यूजीलैंड के कोचेस हैं स्ट्राइकिंग के, वो सारी चीज़ें होगी, वो ये जिम है। मतलब डे पास यहाँ लगभग 2.5 लाख का है, 2.5 लाख मतलब हो गया तुम्हारा 500-500 लगभग 1200-1300 रुपये। लाइक यहाँ अभी स्कीम भी चलती रहती है, जैसे कि डे पास 1 लाख में भी हो जाता है, 1 लाख मतलब 500 रुपये में। उसके बाद है हमारा बाली एमएमए, ये हमारा बाली एमएमए यहाँ से राइट। तो हमारा बड़ी एमएमए है। सो आज के लिए इतना है गाइस, और फिर कभी मैं आपको जिम टूर कराऊंगा, खैर अभी तो नहीं। सो गाइस स्पारिंग हो चुकी है आज की, और अब खाली दिन है, खाली टाइम है हमारे पास। इज़ लाइक मैं काफ़ी लकी हूँ स्पारिंग में, मतलब आज जैसे यहाँ पर लगी है, ठीक है, तो हमेशा मेरी नाक बच जाती है हमेशा, जैसे एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो मतलब इंचेस का फ़र्क आता है हमेशा। सो गाइस ये था आज का व्लॉग, और आई होप कि आपको मेरी जर्नी अच्छी लगेगी, और अभी जब तक मेरी फाइट नहीं होती है तब तक यू नो ब्लॉग चलते रहेंगे अब।
और लेट्स गो। थैंक यू।